हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जान गए होंगे कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके आरपीएफ एंसलरी 2019 रिलेटेड आप लोगों के डाउट्स। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास लगातार कॉल्स आते हैं, मेरे पास लगातार व्हाट्सअप आते हैं बहुत से कैंडिडेट। क्या पूछते हैं, कोई पूछता है सर ज्वाइनिंग कब होगी, आरपीएफ एंसिलरी का सब कुछ हो गया, मेडिकल हो गया, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, कुछ बताइए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, आखिरकार क्या वो कारण है जिसकी वजह से अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। मेरे पास कमेंट आते हैं सर क्या दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी, एक सिलेक्शन की जो मेरिट लिस्ट आउट हो गई है, मतलब कि मेडिकल के बाद जिन जिन कैंडिडेट का नाम आ गया है, यदि कुछ कैंडिडेट यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड हो रहा है और रिक्त पद हो रहा है तो क्या दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों मेरे पास कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि सर मेरे मार्क्स कितने आए हैं, मुझे चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट को लगता है कि मेरे मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा आए थे फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोस्तों वो कारण भी पूछ सकते हैं कि आखिरकार किस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और साथ में अपने मार्क्स भी पता कर सकते हैं कि आखिरकार आरपीएफ एंसिलरी में कितने मार्क्स उनको मिले थे उनके टेस्ट में, उनके रिटर्न एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों आपको करना होगा क्या, आपको करना होगा दोस्तों आरटीआई। जी हाँ दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। क्योंकि आप लोगों के डाउट्स लगातार आ रहे थे तो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराना मेरा दायित्व था। आप लोगों के लगातार व्हाट्सअप आते थे, बहुत सौ ने पहले लगाया भी था तो उन लोगों ने मेरे पास कमेंट्स करके बताया भी था और उनको कारण जानना था कि आखिरकार किस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सारी इन्फॉर्मेशन, हर एक बात आप पूछ सकते हैं आरटीआई के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब कि सूचना का अधिकार 2005, यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत आप गवर्नमेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऐसा यह कानून है। और यह जानकारी बिल्कुल कानूनी तौर पर उनका देने का दायित्व रहता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे YouTube हो या फिर कहीं हो, आप लोगों को सच्ची इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार आप लोगों का जो ज्वाइनिंग है वो कब आएगा। बहुत से डाउट्स मन में आ रहे हैं कि आखिरकार किस रीजन बस अभी तक हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इसी तरह से आपके मार्क्स भी आपको पता नहीं चले, आपके मार्क्स हाई आए थे, आपका क्या कारण रहा जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको ये भी पता नहीं चला। तो दोस्तों इसी सभी चीजों को देखते हुए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं कि आप लोग आरटीआई लगाइए और आरटीआई के द्वारा हर एक चीज जानिए जो आपके मन में आ रही हो। अब दोस्तों आरटीआई आप सेल्फ से भी लगा सकते हैं, मतलब कि आप कहीं पे कियोस्क पे जाएंगे और वहां से भी लगा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि सर आप ही मेरी आरटीआई लगाइए, आप ही हर एक बात पूछिए कि आखिरकार कैसा क्या हुआ है, तो दोस्तों आपको इसके लिए करना होगा क्या, इसके लिए जाना होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, आप जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे तो आपको मिलेगी एक लिंक, नाम होगा क्या, आरपीएफ एंसिलरी 2019 आरटीआई रजिस्ट्रेशन लिंक, ऐसा करके वहां पे नाम आ रहा होगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ी पेमेंट करनी होगी। एंड इसके साथ साथ फिर आपको एक विंडो शो होगी लिंक जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। क्योंकि मेरे पास कल ही जितेंद्र जी का एक कमेंट आया था, सर प्लीज हमारी आरटीआई लगा दीजिए, मैं आरपीएफ एंसिलरी से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों उनका और ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो व्हाट्सअप करते हैं, तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए मैंने यह सब किया। तो चलिए फ्रेंड्स बताता हूँ आखिरकार आपको कैसे लिंक पर क्लिक करना है एंड इसके साथ साथ आपको कैसे पेमेंट करना है और इसके बाद आपको कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सबमिट करनी है, जिससे कि हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाए, कोई डाउट्स ना रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बताता हूँ आपको कैसे क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स समझते हैं ना, आपको एक छोटा सा तीर का निशान दिख रहा होगा आपकी वीडियो के साइड में, उस पर आप क्लिक करिए छोटा, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा वीडियो का। आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पर सबसे पहली फर्स्ट लिंक दिख रही होगी क्या, आरपीएफ एंसिलरी ट्रेड्समैन आरटीआई रजिस्ट्रेशन लिंक। आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब चलिए मैं क्लिक करता हूं और कैसा इंटरफेस मेरे समक्ष शो होता है। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे लिंक पर क्लिक किया तो मेरे समक्ष कुछ ऐसी विंडो शो हुई जहां पे आप देख पा रहे होंगे क्या, आरपीएफ एंसिलरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आरपीएफ एंसिलरी ट्रेड्समैन आरटीआई लिंक, आप पूछिए सब कुछ यहाँ रजिस्ट्रेशन करें।
जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर 45 रुपीज पे करने होंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें, जैसे ही आप पे करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए डाउनलोड सेक्शन आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिलेगी। अब चलिए हम करते हैं यहाँ पर पे और आपको बताते हैं कैसा आता है इंटरफेस। दोस्तों मैंने पे पर क्लिक किया है तो मेरे समक्ष यहाँ पर विंडो शो हो गई। सबसे पहले आपका यहाँ पर नेम पूछा जाएगा, आपको अपना नेम डालना है सही, जो आपके एडमिट कार्ड में था और जो आपने डाला था। ओके चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए कुछ भी नेम डालता हूँ, जैसे डीके। ओके और यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है। जी हाँ दोस्तों, ईमेल आपका वही डालना है जो कि आपके ईमेल पर रिप्लाई आएगा आपके आरटीआई का, मतलब कहने का एक्टिव ईमेल, ऐसा वाला नहीं डालना जो आपको पता ही नहीं है कि आखिरकार मेरा ईमेल कब है, कहाँ है, कैसा है, ऐसा नहीं डालना। आपको वो डालना है जिस पर आपको आरटीआई का रिप्लाई आ सके और आप उसको देख सके, मतलब कि चालू वाला, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम ईमेल टाइप करेंगे, कुछ भी हम यहाँ पर ईमेल के रूप में अभी हम डाल रहे हैं, आपको एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं, फिर हम डाल के आपको बताएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों आपको करना है यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालना है। अब यहाँ पर वो वाला कॉन्टेक्ट नंबर डालना है दोस्तों, जैसे ही आप अभी इन्फॉर्मेशन में हमको देंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर वो वाला कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, बाय चांस आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आरटीआई में आपसे संपर्क हो सके। ओके इसी के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप रहेगी, आपको क्या नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर अपना सही वाला ईमेल डाल लिया है और इसके बाद अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल लिया है और नाम डाल लिया है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। चूंकि छुपाया इसलिए है, गोपनीयता है, हर किसी के साथ शेयर नहीं की जाती दोस्तों। आप भी अपना जब डालेंगे तो आपकी यहाँ पर पूर्णतः गोपनीयता रखी जाएगी, आपका कुछ भी डाटा शेयर नहीं होने वाला और आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो भी आपको SMS करके दे दिया जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो मेरे समक्ष कुछ ऐसा इंटरफेस आया। अब दोस्तों इस इंटरफेस में आपको दिख रहा होगा एक QR कोड। QR कोड किस लिए, ताकि आप पेमेंट कर सके। आप चाहें तो यहाँ पर दोस्तों आप चाहें गूगल पे, आप चाहें फोन पे, या फिर आप चाहें क्या कि सर मुझे पेटीएम से पेमेंट करना है, तीनों ही माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। एक चीज में प्रॉब्लम जा रही है, दूसरी से करिए, दूसरी में जा रही है, तीसरी से करिए, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 45 रुपीज चार्ज था, यहाँ पर 51 हो गए, ट्रांजेक्शन चार्ज एक खुद ही ले लेता है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर बोला गया है क्या एंटर ईमेल, आपका एंटर UPI ID, मतलब आप UPI ID के माध्यम से भी कर सकते हैं आपकी पेमेंट। या फिर सर मेरे पास ये तीनों चीज नहीं है, ना तो मैं गूगल पे चलाता हूँ, ना मैं फोन पे चलाता हूँ, ना मैं पेटीएम चलाता हूँ, सर मेरे पास तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है इत्यादि। तो दोस्तों आपको बता दें आप इन माध्यम से भी यहाँ पर पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर मोर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष ऐसी विंडो आएगी। आप देखिए दोस्तों आपके समक्ष यहाँ पर शो हो रहा है ऑप्शन, पहला क्रेडिट, सेकंड डेबिट, थर्ड आपका क्या और भी है दोस्तों, आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। चलिए डेबिट कार्ड के माध्यम से मैं बताता हूँ कैसे पेमेंट करेंगे आप। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है क्या, आपका यहाँ पर नाम डालना है, कार्ड होल्डर का नेम डालना है आपको, मतलब कि नंबर, सॉरी यहाँ पर नंबर डालना है, जो कुछ भी हो आपका 10, 20, 30, 50, यहाँ पर जितने नंबर का हो, 12, 13, 14, 16 आपको वो डाल देना है। एक कार्ड के बिल्कुल ऊपर ही लिखा रहता है, आपको अलग ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको डालना है एक्सपायर मंथ, मतलब कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो किस मंथ में एक्सपायर होने वाला है, उसमें ही डालना रहता है। आपको डालना है 21, 22, 20 जब भी होने वाला है आपका एक्सपायर। आपका यहाँ पर मंथ डालना है तो मंथ दोस्तों आपका 12 से ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे करके रहेगा। यहाँ पर ईयर में आपको डालना है आपका जब भी हो रहा हो, 21 में हो रहा हो, 22 में हो रहा हो। और आपको यहाँ पर CVV नंबर डालना है, यह क्या होता है, तो दोस्तों यह आपके कार्ड के बैक साइड 3 डिजिट का होता है, आपको डालना है। ओके जैसे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतना डालने के बाद आप पे पर क्लिक कर देंगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। तो जैसे दोस्तों आप पेमेंट करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आएगा, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर थैंक्स के रूप में कुछ यहाँ पर टेक्स्ट आएगा, तो आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। चलिए मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने क्लिक किया तो दोस्तों मेरे समक्ष ऐसा पेज शो हो गया। अब आपको दोस्तों इसमें एक लिंक दिख रही है, क्या लिंक दिख रही है आपको, वो जहाँ पर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है।
मतलब कि आपका नाम पता, आपका हर एक इन्फॉर्मेशन, पिन कोड, हर एक जानकारी अभी मैं बताने वाला हूँ कैसे आपको फिल करना है, आपको क्या पूछना है आपको वो फिल करना है, आपको हर एक चीज इसी लिंक के माध्यम से मिलेगी। आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कर देना है। ओके, आप इस पर प्रेस करेंगे तो यह लिंक ओपन हो जाएगी और आपको ले जाएगी उस पेज में जहां पर आपको आपकी हर एक जानकारी भरनी है। इससे पहले आपको बता दूं, यदि बाय चांस आपकी आरटीआई किसी भी कारणवश रिजेक्ट होती है तो यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों का जो पैसा है वो वापस नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर सावधानियां, हर एक चीज को आप फिल करते वक्त बढ़ते यही बातें लिखी हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप आखिरकार कैसा इंटरफेस दिखाई देता है हम वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है। ये हमको ले गया वहां पर जहां पर हमको जानकारी फिल करनी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आरपीआई पेंशनरी 2019 आरटीआई रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है क्या आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस वही डालना जो आपने अभी डाला था पेमेंट करते टाइम पे, और वही ईमेल डालना जिस पे आपको आरटीआई का रिप्लाई आए। ईमेल ऐसा डालना जो चालू हो ना कि बंद हो, क्योंकि यदि आप बंद डालेंगे तो आपके पास आरटीआई का रिप्लाई नहीं आएगा। आप भी सुन लीजिए कान खोलकर, क्योंकि दोस्तों आपने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है, इतना टाइम बर्बाद किया है, पैसा बर्बाद किया है, और यदि आप एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक कर देंगे, आरटीआई में वो वाली ईमेल आईडी डाल देंगे जिसको जो बंद है, तो दोस्तों आपके पास उसका रिप्लाई ही नहीं आ पाएगा, क्या मतलब निकलेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सबसे पहले वही ईमेल आईडी डालिएगा जो कंटिन्यू है, चालू है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप बताते हैं क्या होता है। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो मेरे को लेकर आ गया सेकंड पेज पर, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम डालना है, आपका नाम क्या है, आपने जो एडमिट कार्ड में नाम है वही डालना है। ओके, या फिर आपका जो ट्रेड्समैन का हो या फिर आपका लिखित एग्जाम का हो, जब का भी आपका एडमिट कार्ड हो उसमें जो नाम दिया है वही डालना है। इसके बाद आपको डालना है अपना जेंडर, मतलब कि लिंग, आप मेल है या फीमेल है। जैसे आगे बढ़ेंगे इतना डालने के बाद तो आपको डालना है अपना पता। यहाँ पर पता आपको बिल्कुल फुल डालना है, मतलब कि गांव क्या है, शहर क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, पिन कोड क्या है। हालांकि पिन कोड के लिए यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर चूज करना है देश, मतलब कि आप इंडिया के हैं, नॉर्मल सी बात है, इंडिया के बाहर के रहेंगे तो आपकी आईटीआई तो लगने वाली किसी भी कंडीशन में नहीं है। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बताना है अपना राज्य, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, या फिर हमारे देश का कोई भी स्टेट हो, आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको आपकी स्थिति बतानी है, मतलब कि आप ग्रामीण है या फिर शहरी है। यदि आप शहरी हैं तो आप यहाँ पर शहरी डाल दें, यदि आप ग्रामीण है तो आप यहाँ पर ग्रामीण डालें। और एक बात, यदि आप हिंदी में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो हिंदी हिंदी में डालिएगा, यदि आप इंग्लिश में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो इंग्लिश इंग्लिश में ही डालिएगा। ओके, ताकि हमको आरटीआई सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट दिख रहा है कि आपको यहाँ पर फोन नंबर डालना है, यदि है तो जरूर डालें। और इसके बाद आपको डालना है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर डालना बेहद जरूरी है, किसी भी समस्या आने पर आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सके और आरटीआई वाले भी आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। तो इसलिए प्लीज यहाँ पर मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही डालें जो आपका है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है क्या यहाँ पर आरटीआई अनुरोध के आवेदन के लिए पार्ट, मतलब कि आखिरकार आप क्या क्या पूछना चाहते हैं। आप दोस्तों दिल खोल के यहाँ पर वो सारी बातें पूछने जो आपके अंदर हैं, मतलब आपने जो अभी तक इतनी मेहनत की है, आपका मार्क्स ज्यादा आया है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है बहुत से कैंडिडेट का जिनके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा आए हैं कि सर आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आने पर। आप पूछ सकते हैं सर मेरे मार्क्स कितने प्राप्त हुए हैं टोटल मिलाकर ये बताइए। आप पूछ सकते हैं सर हमारी ज्वाइनिंग कब होने वाली है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, वगैरह वगैरह। आपके जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल बेझिझक होकर यहाँ पर लिखिए, हम आपके क्वेश्चन सेंड करेंगे, आरटीआई में भेजेंगे। आपको अगला सेक्शन दिख रहा होगा क्या आपका यहाँ पर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो एडमिट कार्ड होता है आपके एडमिट कार्ड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है आपको वो डालना है। इसके बाद आपको डालना है इंटर रोल नंबर, मतलब कि आपका जो रोल नंबर था आपको वो डालना है जिससे कि उनको आपका डाटा निकालने में दिक्कत ना हो। और आपको डालना है एग्जाम, आपका इंटर एग्जाम डेट, मतलब कि आपका किस डेट में एग्जाम हुआ है आपको वो डालना है। यदि है याद तो डाल दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आपके इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर से भी वो सारी चीजें निकाल लेते हैं।
लेकिन कोशिश करिएगा कि आपके पास है तो जरूर से जरूर आप यहाँ पे डालें। एंड इसके बाद आपको लास्ट डालना है इंटर एग्जाम सेंटर, यदि पॉसिबल हो तो जरूर डालें। इतना सबको डालने के बाद आपको एक ऑप्शन शो होगा जिसको बोलते हैं सबमिट। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी। आपकी आरटीआई जैसे ही सबमिट होती है, आपको बाकायदा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके ईमेल आईडी, आपके आपको मैसेज कर दिया जाएगा। आप इसकी टेंशन ना लें। और हम वीडियो बनाकर भी आपको हर एक कैंडिडेट का नाम बताएंगे किस किस का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों की लगातार डिमांड बनी हुई थी, इसलिए मेरे को यह सब करना पड़ा, नहीं तो मैं दिमाग भी नहीं लगा रहा था इन चीजों में। लेकिन मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मेरे पास व्हाट्सअप आ रहे थे कि सर हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, हमारा तो हर एक चीज क्लियर हुआ है, हमारा टेट टेस्ट कंप्लीट हुआ है, हमारे मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा आए हैं, लेकिन ना जाने क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे इसका कारण बताइए। तो दोस्तों इसका एक एंड ओनली मात्र ही कारण है आरटीआई। आप आरटीआई के द्वारा ही पता कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से मिलती है, और बाकी तो यहाँ पर कोई नहीं है जो आपको यह बता दे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ओके तो फ्रेंड्स, वीडियो आई हो पसंद तो लाइक करते जाएं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।